कैमरामैन, ये मिठाई खुशबू कहाँ से आ रही है? मिठाई नहीं, मीठा है सर वो। टिकटॉक ये के साथ इंटरव्यू है आज आपका। टिकटॉक को एक स्टार देने वाली जनता को नमस्कार। चाहे आपने एक आईडी से एक स्टार दिया हो या फिर 6 आईडी से एक स्टार दिया हो, चाहे आपने कमेंट में लिखा हो कि दिस ऐप इज गे या फिर लिखा रोनाल्डो की शूट टिकटॉक की मांगी, तो सभी स्ट्रेट बॉयज एंड गर्ल्स को खट्टा सा धन्यवाद, क्योंकि अब मिठास पड़ने वाली है। तो आज हम लेने वाले हैं टिकटॉक के बूबधारी बेटे का इंटरव्यू, और साथ ही साथ आज हम इनकी लुल्ली हुई कील ठोक देंगे। अगर इन्होंने यहाँ भी बकचोदी की चटाई बिछाने की कोशिश करी तो हम इतना मारेंगे कि दांत निकाले कान में लगा देंगे। वो खाएगा गोटा गोटा, हगेगा चबा चबा। oh, no. ये वो चूर्ण है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो इन चूर्णों को खत्म करने के लिए हम हैं। तो जिनको जबरदस्ती के दस्त लगे हुए हैं उनको बुलाते हैं, जिनका नाम है गरीब सिद्दीकी। आइए। मेरा नाम तो फकीर सिद्दीकी है। फकीर हो या हो अमीर, तेरा नाम। अबे अच्छा कंटेंट क्यों बनाओगे तुम, जब चूतड़ मटका के चल रहा तुम्हारा काम। खैर छोड़िए, तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ये आवाज, ये तो सुनी सुनी लग रही है कहीं। ये लाइन उसने बोली जिसने तुम्हारी गांड में नींबू निचोड़ के तुम्हें खट्टा करने की शुरुआत की थी पीछे से। ओह नो। तो फकीर जी कुछ लेना पसंद करेंगे? अबे मीठे, काला खट्टा मांगा है। खाने में कुछ लेंगे? गालियां खा के पेट भरा रहता है। चलो काम की बात पे आते हैं, अब आप पूछेंगे हम कितने पैसे कमाते हैं। ओए बंद कर, बंद कर इसको, बंद कर। बस कर, टिकटॉक की बेटी हनी सिंह हो रहा है पूरा, स्ट्राइक पड़वाएगा वीडियो पे। तो फकीर जी आप अपनी कुछ मीठी यादों के बारे में बताना चाहेंगे जनता को? ओह नो। यादें तो सारी ही मीठी है। देख कर तुझे दू कौन सी गाली, माँ ने तो पैदा किया था तुझे लाल, पर तू लगा के फिर रहा लाली है। सेट बर्बाद बहन चोद, चेंज कर लो, हमारे पास एक्स्ट्रा है एक। कोई बात नहीं, मैं दो पहन के आता हूँ, आजकल वैसे भी हर कोई मार के चला जाता है। हैशटैग स्कर्ट। तो स्ट्रगल के बारे में कुछ बताएं अपनी। हमारी सुनवा तो गंडिया फट जाए। तुम्हारी स्ट्रगल और बहन के लोड़े गाली का कोई मीनिंग ही नहीं होता, क्योंकि दोनों होती ही नहीं है। तुम्हारी स्टाइल पता कैसी होती है कि आज कौन से कलर की ब्रा पहनूं, आज कौन से कलर की लिपस्टिक लगाऊं, आज राइट चूतर मटकाऊं, आज लेफ्ट चूतर मटकाऊं। इतना क्रिंज कंटेंट देख के ना टिकटॉक के मालिक ने भी खुद पोस्ट डाल दिया ट्विटर पे, देखो। ओह नो। आई है अब नए राउंड खेलने की बारी, तो ले लीजिए तुम्हारी। पापा की परी। वो तो हो तुम। कंटेंट, कंटेंट बोलते हैं इसको। हम लव डे, हम लव डे। हाँ तुम लोडे। मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 बिक जाएगा। जो तू सोच रहा है वही है। जनता की तरफ से मैं गीले सवाल आए हैं आपके लिए। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? राहुल द्रविड़। क्यों? पिच पे लंबा टिकते हैं ना वो। युवराज और क्रिस गेल नहीं पसंद? नहीं वो नहीं पसंद, वो छक्के बहुत मारते हैं। दूसरा सवाल है आपका सबसे एम्बेरेसिंग मोमेंट। सबसे एम्बेरेसिंग मोमेंट मेरे लिए ये था कि एक बार मेरे को यूट्यूबर्स ने पकड़ लिया। oh, no. और मेरे से बोला या तो कान दे या जान दे, पर मैं अपनी जान पर खेल गया और मैं आपके सामने हूँ आज। तीसरा सवाल आया है किस सेलिब्रिटी को आप आइडल मानते हो? जॉनी भैया, उनका हर रोल चाहे प्लम्बर का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे डॉक्टर का हो, किसी का भी रोल हो, हर वीडियो में मेरा मतलब है जान डाल देते हैं हर वीडियो में, बहुत ही बेस्ट एक्टर है वो। चौथा सवाल आया है आपके लिए, आपको किस चीज का शौक है? आर्चरी। आर्चरी का शौक है? नहीं नहीं नहीं, नहीं आर्चरी से जो उड़ता हुआ तीर होता है ना वो लेने का शौक है। एक भाई साहब का सवाल आया आपके लिए कि कितने दिन से नहीं किया? दुश्मन क्यों चाहिए जब दुख याद दे, सोच तू ओरिजिनल बुक फाड़ दे। दुश्मन क्यों चाहिए जब दुख याद दे, सोच तू ओरिजिनल बुक फाड़ दे,
चार दिन हो गए मुठ मार के। मिस्टर डैचू 07 का सवाल आया है कि आपके कंटेंट को सब क्रिंच क्यों बोलते हैं? जलते हैं मुझसे। पर ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें मेहनत कम लगती है, एक वीडियो 4 से 5 मिनट में बन जाता है और कंटेंट बना बनाया मिलता है, पर आप जानते हो मुजरा करना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा एक खुद का एक पर्सनल सवाल है कि वीडियोस में तो आप इतने हैंडसम लगते हो, लेकिन सामने बैठ के बागड़ बिल्ला जैसा लग रहा है तू। अच्छा वो तो इसका कमाल है। ये देखो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आप मेरी इतनी सेक्सी बॉडी को देख के कितना रेट करना चाहेंगे 10 में से? रेट तो रेंट के होते हैं। हमारे शो में आने के लिए आपके लिए गिफ्ट है, ये है चुरने की दवाई। यहाँ बेइज्जती कराने के लिए बुलाया था मुझे? निकल, कैरी मिनाटी ने पहले कम बेइज्जती कर रखी है मेरी, जा रहा हूँ मैं। ओह नो। तो ये थे फकीर सिद्दीकी। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम इनके चुरने मिटा के रहेंगे, तो हमने इनको दवा दे दी है। दवा से चुरने मिटे ना मिटे, अगर ये यूट्यूबर से पंगा लेते रहेंगे तो चुरने जरूर मिट जाएंगे। आज के लिए इतना ही।